मैं उन्दे ना रक्षा है दरले आई समझ okay. तो अल्लाह पाक दिता तेन तू अते मेरी दिली ख्वाहिश है तू पढ़ जावे बहुत बड़ा अफसर हो जावे। आपको ये था कि आपको बैंटम का बहुत शौक था। अच्छा। आप ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करके बैंटम को पकड़ते रहते थे। अच्छा। स्पाइडरमैन बन जाते स्पाइडरमैन। थे। हाँ, दुपट्टा बांध के। अच्छा। ठीक है, मैं इसे मोटरसाइकिल पे आगे बिठाना तो उस ले जाना उधर, ये उधर जाके करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद होगी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। अच्छा जी, वंस अगेन कोई नाराजगी है तो मुझे बताओ यार, क्यों नहीं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे? जल्दी से करो ना, ताकि हम एज सून एज पॉसिबल अपने 100 के सब्सक्राइबर्स हिट कर सके और कोई सीन पार्ट को शुगर में ना लगा सके। मुहर्रम और सफर के बाद टेंशन ना लो आप लोग, मुझे पता है आप लोगों ने आया कह रहे भाई मुहर्रम चल रहे हैं, ठीक है भाई मुहर्रम सफर के बाद करेंगे। खैर, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो, बेल आइकन लाजमी क्लिक करना, वीडियो को भी आगे शेयर कर देना। अच्छा ही, खैर आज के व्लॉग का सीन में आप लोगों को बताते हैं, थंबनेल और टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया और पढ़ लिया होगा। अभी चलते हैं जरा मामा जी। हेलो मामा जी, हेलो मामा जी, बात सुनो मामा जी, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी 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 इधर आओ ना, इधर आओ जल्दी जल्दी, यार नाश्ता बाद में कर लेंगे मम्मा, यार भाई राम जल्दी आओ ना, जल्दी 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 जल्दी, यार जल्दी आओ, जल्दी आओ मम्मा जी। क्या मसला मम्मा, वो ये काम है आपसे, और आप वाइपर गंदे गंदे गए, पता नहीं कहाँ कहाँ मारे हैं वाइपर में। नाश्ते के टाइम में काम करने वाला काम है। मम्मा जी क्या कर रही हैं यार, ये वाला काम है ना यार मम्मा जी, काम है यार मेरा। थंबनेल और टाइटल ये है आज का, मेरा कंटेंट ये है कि आज आपने अब्बू ने पता नहीं अली अब्बू भी मानता है या नहीं, दादी ने चलो मैं 100-200 रुपया दे के बिठा लांगा मम्मा। काम ये है कि आज हमने बैठ के मेरी बचपन की यादें रिकॉल करनी है। अच्छा हाँ, तो जल्दी से आओ, जल्दी बताए नाश्ते का टाइम है, आप चलो चलो जाओ अपने पापा से पूछो। पापा भी बुजुर्ग ही है, पता नहीं अभी मानते नहीं। मम्मा मेरी बात सुनो, 10 मिनट बेटा नाश्ते का टाइम है, 10 मिनट सिर्फ ना, वहाँ पे बैठेंगे तो बस और कुछ नहीं, नाश्ते का टाइम है 10 मिनट यार, 10 मिनट चलो चलो 10 मिनट चलो मान लो प्लीज, अपने पापा से तो प्लीज प्लीज प्लीज, बाबा अभी आ रहे हैं, चलो 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 आप पहुंचो, मैं आ रहा हूँ, चलो बैठो 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 बैठो, मैं आ रहा हूँ, लाइटें शाइटें ऑन करो। अब जी हेलो, बकवास यार, सुबह नाल तेरा बकवास खत्म क्यों नहीं हो रही यार। अच्छा खैर छोड़े छोड़े, मुझे आपसे काम है यार। की काम है, मैं कोई काम मैनू करन देना या नहीं, तो इधर आए ना, इधर आए, वो छाड़ तो सही, की हो रहा है यार, 2 मिनट लगेंगे इधर आए, वो छोड़ तो सही, 2 मिनट सिर्फ छोड़ो, यू आर गिटॉट गिटॉट गिटॉट, 1 मिनट सिर्फ, 1 मिनट लगेगा, दौड़ जा यार, 1 मिनट लगेगा यार, यार क्या 1 मिनट क्या है क्या, बाबा चीज के पैसे लेते हैं क्या, साथ भी आने के पैसे क्या है, व्हाट इज दिस, चलो प्लीज आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप ऐसा करें ड्राइंग रूम में बैठे, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, दादी तो मान जाएगी, दादी ने मेनू पता, दादी ने तू की बिठाया, मैं नहीं जाना यार, इधर यार नहीं यार, की बिठाया, चलो चलो यार की कर रहे हो, चलो चलो पहले की बिठाया तू, पहले अम्मा बैठी हुई है, की हो गया यार, एक पिंजरे दो शेर कि मैं बैठ सकते हैं, चलो आओ तुसी बैठो 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 बैठो, ओ नहीं यार, यार ओ यार ना इतना यार, ओ वेख यार ये देखे यहां से निकल गए, यार की कर रहे हो यार, अंदर आओ यार, चलो ना की कर रहे हो, तानू मनाना ही बड़ा औखा है यार, एक पिंजरे दे तू दो शेर
खड़े करना किवे हो सकदे ने मैनू ऐ दस हो सकदे ने आ बैग बहु हो जांदे ने मैं आ रहा चलो जी दादी दादी बस काम है नहीं मैं हर वक्त ही तेनु काम राम लगे कि तो वक्त काम ना ही होया करे जा आराम ना हो तो बैर जलील कीती रखना हर वक्त उठे दादी 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट ने छवण पावे 1 मिनट 1 मिनट सिर्फ चलो 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 दादी यार दादी प्ले चलो 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 नहीं आ रहा ये चलो 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 मैं तो इंज लग रहा जी मैं चूचे छड़े ने मुर्गियां छड़िया ने उन्हें फड़ रहा मैं तू ही इंज तंग कर चल तू दौड़ अच्छा 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 बच्चा मुर्गियां चूचे चलो चलो जी बड़ा बंदा है ओए ओए भाई तन्नू बनाना बड़ा औखा बनाना हां यार असी की गल है ओ यार अच्छा 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 भाईयो यार 10 मिनट बैठ जा सिर्फ अच्छा जी खैर अब हमारा जो सा मेन है जो सा आज हमारा थंबनेल है और टाइटल है जो आज का हमारा कंटेंट है वो अब स्टार्ट करते हैं जी बताएं फिर कौन शुरू कर रहा है दादी शुरू करेगी यार दादी शुरू करेगी यार तू साडा सिर पाड़न आ सिर पाड़न आ तू ही इंज करो तू ही अंदर जाओ चलो चलो मैं चल रहा चलो 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 चल आ यार तू ही बड़ा तंग कर रहे हो मेरे एक्टर आ जा यार नहीं कोई भी नहीं चल मैं आधी बीवी नाल ले तो जा सा कोई भी नहीं ओ यार इधर हो जा मैं हूं नहीं कोई भी नहीं चल तू ही मेरे एक्टर तू जान तेरी दादी किसी को कोई मसला नहीं सिर्फ तानू मसला तू जान तेरी दादी किसी को मैं कह रहा कोई मसला नहीं जाने और किसी को कोई मसला नहीं है किसी को कोई मसला नहीं है सिर्फ यार मम्मा तू बैठे थे क्यों बैठे मम्मा बैठे क्यों बाबा मेरे चलो ना किसी नहीं कोई भी नहीं नाल जा रहे चलो 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 कोई भी नहीं चल रहा क्या आप फिर जरा दादी से ही शुरू कर लेते हैं अच्छा दादी मुझे ये बताओ कि आपको मेरे बारे में क्या क्या चीजें याद है हर गल कोई एक बताएं सारियां गल्लां याद कोई एक एक बकेड़ी बतावा बतावा जम्मण तू पाले हुन खुश हो बतावा बतावा जम्मण तू पाले ना मेरे दिल खुश है जे मेरे बच्चे दी शादी होवे अच्छा मेनू अल्लाह पाक ब्याह पुत्रा देवे मेनू मेरी शादी नहीं मेरे बच्चे अच्छा मेरे बच्चे दी शादी होवे अच्छा मेरे अल्लाह पाक मन पोतरा देवे मैं उंदे ना रक्षा है इधर ले आई समझ ओके और तो अल्लाह पाक दिता तैनू तू अते मेरी दिली ख्वाहिश है तू पढ़ जावे बहुत बड़ा अफसर हो जावे अच्छा सब तो बड़ा सारे दुनिया दे विच मेरे पोतरे दा नाम हां मेरी दिली ख्वाहिश है चंगा ही होवे जो हर कोई याद करे अच्छे लफ्जा ना मेरी दिली ख्वाहिश है अच्छा मैं आप सब लोगों को बताता चलूं मैं सबसे आप तीनों से मतलब पूछूंगा कोई भी मेरी मतलब जितनी देर तक मैंने होश नहीं संभाला था तब तक की मेरी कोई एक एक फनी मोमेंट आप लोगों ने मुझे बताना है मेरा कोई भी या कोई भी कोई ऐसी चीज मैंने की हो या कुछ भी हुआ हो ठीक है मम्मा ठीक है चोरसा ताड़ा तो कोई पता भी नहीं तुम अपने वालों ही बना के सुन दे चलो दादी कोई मेरा एक फनी किस्सा बता दे अच्छा बताए एक दे तो गया स्कूल ले ओके ओ ना तू लैटरिन गुम हो गयो अच्छा असि रोंदे पिटदे इधर अली किते गया इधर अली किते गया किधरे तेरी अम्मी बालदी फिरे किधरे मैं बालदी फिरे अद्धा घंटा गुजरा ना तो तू आपे कितो आ गयो अच्छा मैनू ये दस दादी इन भी फनी किथे है सिर्फ फनी है इसी भी तू लैटरिन च गुम हो गया अच्छा दादी कोई एक लास्ट कोई एक और बात बता दे ये अब आपकी लास्ट बारी है कोई एक और बता दे एक और बता दे हाँ बता दे तू छोटा जाएगा ही अच्छा तेन मैडम हबीबा को चाह ते लाए जानती है अच्छा मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है पानी से निकालोगे तो मर जाएगी नहीं हाथ लगाओगे तो डर जाएगी पानी से निकालोगे तो मर जाएगी ये थी मौलवी अब्दुल गफूर कारी साहब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਓਕੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ
बस बस चलो ठीक होगा, अब आपकी बारी होगी खत्म। अब उन तुम दोनों टास्क कर लो कि पहले मैं उनके देखो ना यार, तू जान तेरी माँ जाने यार। चलो मम्मा अब आप बताना है मुझे कि मतलब आपका मेरे बारे में पॉइंट ऑफ व्यू, जब से मैं पैदा हो के अब तक इतना बड़ा वो बन गया हूँ जिन, आपने मुझे बताना है। आपको ये था कि आपको बैंटन का बहुत शौक था। अच्छा। आप ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करके बैंटन को पकड़ते रहते थे। अच्छा। स्पाइडरमैन बन जाते थे। स्पाइडरमैन। हाँ, दुपट्टा बांध के। अच्छा। ठीक है, हवाओं में उड़ते रहते थे ऐसे ही, भले शक दीवारों में टकरे मारते रहते थे। ठीक है, और उसके अलावा साथ में छोटी थी मार्केट थी, छोटी सी साइकिल थी, आपके चाचू लेके आए थे आपके लिए। ओके। मैं आपके साथ जाती थी, कभी आप यूं चढ़ा लेते थे किसी के घर के रम के ऊपर, कभी किसी के रम के ऊपर, टपूशियां ही मारते रहते। फिर जब आप पैदा हुए थे तकरीबन कोई 7-8 दिन के थे, तो आपको चुमूने पड़ गए। ठीक है, नहीं फनी आपने पूछा ना, चले बताएं। ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ करते रहे लेकिन आपको आराम ना आया। आपकी दादो ने क्या किया कि वो मिट्टी का तेल होता है, जानते होंगे आपके फैमिली मेंबर, वो रूई के साथ लगाया, फिर आपको लगाया। यादगार सा टाइम बता दें, कोई यादगार सा किस्सा जो आपको अभी भी याद है, मतलब फनी या कोई भी हो। कोई भी हो, आपके स्कूल में पेपर चल रहे थे। ओके। तकरीबन आपकी उम्र 3-3.5 साल थी। ओके। ठीक है, आपका पाँव वाला नाखून जो था ना वो खराब हो गया था, मतलब है कि मैंने नाखून काटने लगी तो वो ज्यादा साइड से हो गया, उसमें मतलब रेशा वगैरह इस तरह का हो गया। ठीक है, आपको प्रैम में बिठा के आपको मैं स्कूल में छोड़ती थी, उसी में बिठा के। ओ, मुझे याद है, तब तो मैं, मेरी हाइट अच्छी खासी थी, मुझे बड़ी शर्म आती थी प्रैम में बैठते हुए, लेकिन आपकी उम्र इतनी नहीं थी, 3.5 साल उम्र थी आपके, मतलब नर्सरी से प्रैम में आपने जाना था। ओके। तो तब के पेपर चल रहे थे आपके। ओके। तो आपको मैं छोड़ के जाती थी और बाहर आपके स्कूल के सेल में बैठ जाती थी, पेपर दिलवा के आपको उसी प्रैम में लेके चली, और रात को सारी रात आप नहीं सोते थे। एक डॉक्टर होता था आपका दोस्त आपके अब्बू का, वो डॉक्टर रमजान, ठीक है, ये उसको ले आता था, वो इंजेक्शन लगाता था, आप सो जाते थे, जब वो खत्म हो जाता था असर तो तब फिर वो दर्द शुरू हो जाती थी। आपके अब्बू मुझसे बहुत लड़ते थे कि आपने क्यों नाखून काटा, क्यों ऐसा किया। मैंने कहा मुझे क्या पता था कैसा। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो उनसे आप अंकल या अंकल जी लगे होते हैं ना, अंकल का जो उनसे दूसरा फेस है ना, बड़ा खतरनाक है वो, ये मुझे और अम्मा के अलावा और कोई तीसरा बंदा नहीं जान सकता, क्योंकि हमारे हमें पता होता है यार, इस टाइम बैठे हो, इस टाइम हमने बिजनेस होना है और अब्बा जी भी रेडी होते हैं। एक और बात, अब्बू जब सुबह सुबह उठेंगे ना, अब मैं बताऊँ आपका फनी के साथ, अब्बू जब सुबह सुबह उठेंगे जी, बड़े चिल होंगे, आया फ्रेश होंगे, बातें बिछाते कर रहे होंगे, उसके बाद क्या होगा मम्मा, नहाने जाएंगे जी, नहा के जब वो वापस आएंगे ना, पहले यस पप्पू बच्चा होंगे, जब वो वापस आएंगे ना, अरे मैं कह रहा। अच्छा चलो तुम भी बनाओ ना। अच्छा अब आपकी बारी है मेरी बैठे, जब वो बाहर आएंगे ना नहा तो नहीं करनी है, मेरा क्यों इतना पैड़ा किस्सा बताया मिट्टी वाला तेल। अच्छा मेरे पास आपके वो किस्से हैं जो बसों में आप अदा किया करते थे, जो आप बसों में अदा किया करते थे। अच्छा जी, मेरी पहले बात सुन ले, उसके बाद जी जब आपकी सोच, उसके बाद जी अब्बा जी जब नहा धोके बाहर निकलते हैं तो माशाल्लाह से हैं जो नेलिया बने होते हैं, बल्कि नहीं द ग्रेट काली बने होते हैं सब, उनका दिल करता है कि मैं चुप चुप के मारा सारे ने, वो तो ऐसी कोई नरम बाजी बखा देने, नहीं तो अब्बे ने तो सब चुक के सुट देना था, अगे पीछे हो जाए था अभी, फिर कभी कोई बंदा उठे पिया होता, कभी कोई अब्बा नहीं करके बैठा होता। ठीक है भाई, अच्छा जी अब आपकी बारी है भाई, जल्दी से आप मुझे बताएं मुझे जरा। अच्छा यार, आपने सबसे पहले तो ये बताना है, अब कमेंट्स करने हैं आपने, तो जो ये माँ पुत्र दस रहे हैं ना दोनों, मैं इंजरा है अल्लाह दी कसम खा कह रहे, मैं वीडियो बना के ला देनी है फ्रेंडा तुसी यार, कि मैं इंदा हाँ या नहीं, मैं बिफोर आफ्टर उत्ते लिख देना। अच्छा यार, दोनों माँ पुत्र बकवास कर रहे हैं,
सरासर झूठ बोल रहे हैं। कोई आप ऐसे नहीं, आप मैं ऐसा हूँ, आई एम द शरीफ अंकल। अल्लाह चलो ठीक है वो छोड़े, आप मुझे ये बताएं कोई मेरा यादगार मोमेंट, कोई फनी मोमेंट। यार इसका भी कभी मुझे, यार इसके सारे ही फनी थे। मैं ड्राइवरी करता था चौसा के पास फैसल टॉन में, तो मेरे पास मोटरसाइकिल थी GTH 1212। ये दूसरा मुझे ना तंग करता था, मुझे शेर दिखाओ का हमारे नुक्कर पे ना शेर बना हुआ था, कोठी थी उसके ऊपर ना शेर बना हुआ था, वो चौक का, चौक का, चौक के साथ कोठी थी। नहीं नहीं वो चौक के मटेरियल से, सीलिंग वाले मटेरियल से बना, शेर बना हुआ था। मैं इसे मोटरसाइकिल पे आगे बिठाना तो उस ले जाना उधर, ये उधर जाके करता बस वापस बस। एक ये और एक इसके, यार मैं आपको क्या क्या किस्से बताऊं। अच्छा मुझे कभी आपने तकरीबन मेरी 7-8 से लेके 10-11 साल की एज में कोई एक ऐसी मार बताएं मेरी किसी ऐसी हरकत पे। मैंने कभी भी नहीं ऐसा, मुझे याद है। हाँ मैं आपको बताता हूँ, 5th क्लास की जी वेकेशन चल रही थी, समर पैक मुझे मिला हुआ था और मैंने वो छुट्टियों के आखिरी वीक चल रहा था, मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया हुआ था, तब मुझे अबू जी ने मारा था, मुझे अच्छी तरह याद है। नहीं हम तो पॉसिबल पढ़ाई के मामले में तो अभी भी आपको मार पड़ती है, मुझे इतना याद है। आपने मुझे हमारे पास मतलब ना वो ब्लैक बालों वाला ना ब्रश था, मुझे आपने उससे मारा, मुझे अभी भी याद, भले वो आप उसको बुला के पूछ ले, मुझे याद है मारा था, मारा था। डांट ही पड़ती थी, मार नहीं पड़ती। हाँ एक और बात, एक दफा जी हुई बारिश, सही हो गया, मैंने कहा अबू जी मैं नहा लूं बारिश में, अबू ने कहा हाँ नहा लो, लेकिन वो ना गली काफी लंबी थी है ना, वहां से बाहर तो मैं जी निकल गया, गली से बाहर निकल गया, मैंने कहा मैं चला हूँ, फिर आ गया आप बताए। नहीं चलिया नहीं है, इन्हें क्या मैं नहा रही हूँ, नहाँ नहा बाहर निकल गया कितने, तो असि इन लभ्या अगे जा टुर गया बादशाह सलाम। मैं क्या अच्छा मैं पुत्र तेरे मगर ही हूँ, इतनी आवाम खड़ी हुई थी मैं क्या ही बताऊँ। और मेरी वापसी का वो प्रोटोकॉल बताएं, वापसी का फिर प्रोटोकॉल आप खुद ही समझे भी कैसा होगा, बताएं ना बताएं। पर लित्रों के साथ फिर चल, अबू ने वहीं पे जूती उतारी, मैं गीला था, मैंने ऊपर मुझे लगता है कुछ भी नहीं पहना था, नीचे शलवार या कोई कच्चा चच्चा पहना था, मैं वहां से कुर्ते कुर्ते वापस आया। आपको पता है कि शुरू से ही है कि आपको तीन चारों बहन भाइयों ने कभी बाहर निकलने नहीं दिया, तो इसी हवाले से भी आपको ना। अच्छा अब आखिरी कोई मेरा एक ऐसा यादगार आपके लिए अच्छा हो, ये कोई भी फनी हो, कोई भी एक बता दे। या सब ही आपके यादगार है, आपने जहाँ जहाँ भी गए हैं आपने किसे छोड़े, हमने बस में सफर किया आपने बस में किसे छोड़े, क्या बस वाली बार बात बात कर रहे हैं, बता दे। ओ यार मैंने सबको बता दिया, तो बस वाले सारे नीचे उतर गए थे, वो हमारे पास पोर्टर था। नहीं बताए ना शुरू से, ओ यार नहीं, से मैं आपके फैमिली मेंबर क्या कहेंगे भी, आपने कहाँ कहाँ कितने कितने, यार तब मैं छोटा था यार, अबू बताए अब आपकी बारी नहीं है, अबू बताए। यार मैं नहीं बताना चाहता, बताए ना, चले एक आधा बता दे। यार मैं अपनी वो झोली में, यार ऐसे उनको समझ नहीं आनी कि आप यार वो क्या समझ जाएंगे, समझ नहीं समझ आएगी, आप स्टार्ट से बताएं हुआ क्या था। यार हम चिश्तियां जा रहे थे आपके दादा अबू को मिलने, आपको आपका पेट खराब हो गया। मेरी उम्र भी बता दे, उम्र डेढ़ साल की बच्ची जी, इस साल में तो हर कोई करता है, मैंने अगर कर दिया तो मैंने कौन सा कोई अनोखा कर दिया था। यार आपने सब काम अनोखे, अब बताएं आगे बताएं क्या कहा नहीं आपने अनोखे, अब आगे बताएं ना, अब भी आप अनोखे काम कर रहे हैं, बताएं अब आगे बात छोड़ यार थोड़ा सा चला। अच्छा यार इसने सारे रास्ते में वो करता गया, पैंपर हमारे पास खत्म हो गए, पैंपर हमारे पास खत्म हो गए, फिर वो जो इर्द गिर्द की असवारियां थी वो साइड पे उठ गई, उन्होंने कहा यार ये बच्चा कहाँ कहाँ से आ गया, ये इसको आपने हाथी खिलाया। ओके जी खैर ये थी जी आप सब लोगों की, और किसी ने कुछ बताना है, और दादी बताना है। हाँ ओके दादी बताना है कुछ आपने, आपने वो बात से यार बैक गल होंगी है, बिजनेस मैन हो तुसी बैक गल कर दीजिए, बताना है कुछ आपने। नहीं मैं बैक मम्मा आपने नहीं बेटा, ओए नहीं वो उन्हीं के मुंह से अच्छा लगेगा, फिर कभी जाएंगे नहीं, एक बड़ा जालम किस्सा है, बड़ा ही जालम किस्सा है ना। यार वो हमाम वाला बेचारा क्या सोचता हूँ यार।
मुझे खुद सोच के बड़ी शर्म आ रही है यार। आप लोगों को किसी दिन मौका मिला ये रिकॉर्ड करके रख लो, तस्वीर खींच के रख लो, ये पार्ट निकाल के रख लो कि वो किस्सा बड़ा जालम था और आप लोगों को जल्द मैं सुनाऊंगा वो। सही हो गया? ओके अच्छा जी यार, यहाँ पर जी मैं व्लॉगों का रिवेंट, उम्मीद होगी आप सब लोगों को जी व्लॉग पसंद आया। पसंद आया तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी क्लिक करना, इधर आयो बेल आइकन लाजमी क्लिक करना, वीडियो को भी आगे शेयर कर देना, शेयर करना, लाइक करना यार ज्यादा ज्यादा। देखा कह रहे हैं दादी, कह दे 100 के 1,00,000 सब्सक्राइबर करवा दियो, 100 1,00,000 1,00,000 करवा दियो, करा दो यार बच्चा है, कुछ भी कह दो इंशाल्लाह करवा दे। हाँ जी खैर मिलते हैं किसी कल, टिल देन अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।